हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज पी ब्लॉक का इरमार कर ले लें, पी ब्लॉक का नई फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन फैमिली, मतलब कुल इसमें दो लेक्चर लगेगा बेटा, ऑक्सीजन फैमिली समाप्त हो जाएगा। बात समझ? आज फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन फैमिली, बात समझिए। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिल्यूरियम एंड पोलोनियम, क्या होते हैं? एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, इन ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंटों को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्यों इनको कैल्कोजेंस कहते हैं? पोलोनियम तो क्या होता है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, एक मिनट, रेडियो एक्टिव। और यह सब जो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम जो होते हैं, एक्चुअली यह सब होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और यह जो एलिमेंट होते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ओर मतलब होता है अयस्क। ठीक है, अयस्क मतलब मेटलर्जी, हम लोग देखते हैं अयस्क। तो अयस्क बनाने में, इन अयस्क में यह सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएँ, चाहे सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएँ। ठीक है, तो इन यह जो एलिमेंट्स होते हैं वह ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं। डैट्स वाई दीज एलिमेंट्स इज नोन एज कैल्कोजेंस। मेरी बात समझ में आ रहा है? कैल्कोजेंस, क्लियर हो रहा है? बोलो। ठीक है, तो इनकी जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इनका पोजिशन, पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी या जनरल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। तो इन एलिमेंटों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी सब सेल में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? किस में जाएगा? पी सब सेल में जाएगा। और टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ठीक है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी सबसेल में जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। डैट्स वाई दीज एलिमेंट, दीज एलिमेंट आर प्लेस्ड इन, आर प्लेस्ड इन पी ब्लॉक एंड 6th ए ग्रुप। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दूसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत आसानी है सब है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह क्या होता है? NH2NP4। ऑक्सीजन का लिखो तो 1S2, 2S2, 2P4। सल्फर का लिखो, पूरा लिखना हो, लास्ट में क्या आएगा? 3S2, 3P4। सिलेनियम का क्या होगा? 4S2, 4P4। ठीक है, टिल्यूरियम का क्या होगा? 5S2, 5P4। पोलोनियम का क्या होगा? 6S2, 6P4। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दो प्रॉपर्टी हमने देखा, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, और दूसरा हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, यहां पर जो तीसरी प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन पैरा होगा, कौन डाया होगा? तो जो बेटा ऑक्सीजन होता है वह पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक होता है? आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम ऑक्सीजन का, O2 का, O2 मतलब ऑक्सीजन का, जब हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते थे बेटा, तो वहाँ पर 2PEX1* और 2PY* एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे,
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है, तो कुल 16 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी में जब इसको हम देखेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। दैट्स व्हाई O2 इज द पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कभी मत मारना, और ये सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। लेकिन O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 2p स्टार एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज द पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो होता है, क्लियर हो रहा है। यह सारी चीजें 11th क्लास की हैं, मैंने यहां पे थोड़ा सा आपको समराइज कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने पोजीशन देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, कौन O2 को छोड़कर सब डाया होगा, O2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप छापते रहेंगे, ठीक है। अब नेचर कैसा किसका है, ठीक है, नेचर समझो, कौन किस स्टेट में पाया जाता है, कौन किस स्टेट में पाया जाएगा। चौथा स्टेट इन नेचर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो O2 होगा वह गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है, और बाकी जो होंगे अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, याद रहेगा। ऑक्सीजन जो होगा वह गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, और सल्फर सिलेनियम जो टेल्यूरियम है वह सब किस स्टेट में पाए जाएंगे, एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, वह सब सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। होता क्या है कि ऑक्सीजन में जो होता है बेटा, ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होगा, ऑक्सीजन का साइज समझिएगा, साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जब ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होगा तो इसके मॉलिक्यूल में पी पाई बॉन्डिंग पाई जाएगी, बोलो, पी पाई बॉन्डिंग पाई जाएगी। और देखो, ध्यान दीजिएगा, यह ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या हो गया, पी पाई बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है तो इसके पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करके और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यही ना होता है लेटरल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर क्या जा रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बन गया। अब इसके पी में एक अनपेयर्ड होगा और इसके भी पी में एक अनपेयर्ड होगा, दोनों में लेटरल ओवरलैपिंग होता है, बोलो, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। क्यों लेटरल इसमें आसानी से हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का दोनों का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो जब साइज छोटा होगा पी ऑर्बिटल नजदीक आएंगे तो उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि साइज छोटा होने की वजह से जो ऑक्सीजन के गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह काफ़ी वीक होता है, क्योंकि साइज क्या होगा, छोटा होगा। मेरी बात समझिएगा, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें पी पाई बॉन्डिंग पाया जा रहा है और गैसियस स्टेट में हो रहा है, तो गैसियस स्टेट में होने के कारण इनके बीच का साइज छोटा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज पे बड़ा मैटर करता है, ठीक है। जब साइज छोटा होगा तो यह अट्रैक्शन वंडरवाल क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। इस कारण यह किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में, सल्फर में आते हैं या अदर एलिमेंट। सल्फर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो जब साइज बड़ा होगा तो उनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो दूरी भी ज़्यादा होगी, जब दूरी ज़्यादा होगी तो जो पी ऑर्बिटल होगा उनके बीच लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, तो लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, पी पाई बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यह पी पाई बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, तो यह पकड़, इसको बोलते हैं पकड़ रिंग। तो कई सल्फर क्या होंगे, सिंगली बॉन्ड बन के एक जैंट या बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, इस कारण यह किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्ड
नहीं पाया जाता है। क्लियर हो रहा है? वही हाल सिलेनियम में होगा, वही हाल टिल्यूरियम में भी होगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो यह सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। दूसरी बात, ठीक है, सल्फर, सिलेनियम और टिल्यूरियम के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स का वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। हालांकि यह वीक होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन से अगर तुलना किया जाए तो यहाँ की तुलना में इनके बीच का सल्फर सल्फर हुआ, सिलेनियम सिलेनियम हुआ, टिल्यूरियम टिल्यूरियम हुआ, इनके बीच का वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। हालांकि ओवरऑल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट अगर हम तुलना करें किससे, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में या सिलेनियम के बीच में, तो इन एलिमेंटों के बीच लगने वाला, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर क्या होगा? वीक होगा। समझ में आ रहा है टॉपिक? बोलो, आओ आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे खूब बनेगा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा होगा ना, जो भी हो पांचवा, डेंसिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीजेस। बोलो, इंक्रीज होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी, सिलेनियम की ज़्यादा होगी और टिल्यूरियम की और ज़्यादा होगी। क्यों? देखो, इधर जाने पर क्या होगा? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर इफेक्टिव हो रहा है। मोर क्या हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है? बड़ा होगा। तो जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हमको इफेक्टिव होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ज्यादा डेंस होगा, सॉलिड होगा, तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। छठवां देखो, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टिल्यूरियम, ठीक है। छठवां देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इधर हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, भी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, होगा ना, और इधर क्या होगा? हैलोजन फैमिली, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड क्या होता है? मोर स्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मोर स्टेबल होगा। और ऑक्सीजन और हेलोजन की तुलना अगर किया जाए तो हेलोजन फैमिली का भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन फैमिली का। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाए, थोड़ा और अंदर चलते हैं, मिटाऊ ये सब, क्लियर, सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, मिटा जाए। अभी सरफेस केमिस्ट्री भी बचा है, तो अभी होता है, कल से होगा, पी ब्लॉक में खत्म कर दिया जाए पहले। फर्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, बट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन जब सेकेंड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है, कारण समझो, सब तुम लोग को पता है, बस रिवाइज करना है। लास्ट में क्या होता है? 2P3 ऑक्सीजन 8, 2P4 यह क्या हो गया? हाफ फेल,
यह क्या हो गया पार्शियल फिल। अब यहाँ पर जो आई पी देंगे आई पी वन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर जो आई पी देंगे आई पी वन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जो फर्स्ट आई पी दे रहे हैं हम हाफ फिल्ड को दे रहे हैं, जो कि क्या होता है मोर स्टेबल होता है, और पार्शियल फिल्ड क्या होता है लेस स्टेबल होता है। ये तो पता है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जब बेटा यहाँ फर्स्ट आई पी हम हाफ फिल्ड को दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबल ज़्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लेस स्टेबल से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ज़्यादा एनर्जी से निकाल दिया, अब किस में चला गया 2p2 में, ठीक है, और इसमें कम एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब किस में चला गया 2p3 में। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यह कहाँ पे आ गया पार्शियल फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यह कहाँ पे आ गया हाफ फील्ड। समझ में आ रहा है। अब देखो अब दूसरी जो आई पी देंगे आई पी टू ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या देंगे आई पी टू ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा आप जो दूसरा देंगे वह पार्शियल फील्ड को देंगे, अब यह कम हो जाएगा, यहाँ पे जो दूसरा दे रहे हैं वह हाफ फील्ड को दे रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो कारण समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट आई पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आई पी ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब सेकेंड की बात करेंगे तो यह चीज़ रिवर्स हो जाती है। क्लियर हुआ, बोलो, छाप लीजिएगा और जो बोला उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किसका होगा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेलुरियम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी घटती जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो बेटा यह हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन फैमिली का। कल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, नेचर ऑफ हाइड्राइड देखेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और लेकिन आपसे एक निवेदन है कि एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में जाइएगा, उसमें मैं मॉलिक्यूल्स में पी पाई डी पाई पी पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं, उसको एक बार आप जाके देख लो, ठीक है, कि किस मॉलिक्यूल में पी पाई होगा, किस मॉलिक्यूल में पी पाई डी पाई। क्योंकि कल यह आएगा तो मैं उतना बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक वीडियो में बना चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपसे निवेदन है आज आप उसको देख लोगे, आप चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग में पी पाई डी पाई पूरा हेडिंग है मॉलिक्यूल्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आएगा ट्राईऑक्साइड आएगा। तो आप जब पहले सीखे रहोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी इतना, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, यह भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, फिर हैलोजन, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।